पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहाँ पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है, क्या मीडिया में दिखता है, क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस पार्टी दे रही थी और आज 5 लाख हो गया है। क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है, उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो। तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही, जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा अच्छा दिख रहा है इश्तिहार, टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुन्द्र के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं, तो यही दिख रहा है आपको। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है, ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं, इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी है, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में, और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे, चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है, आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में, आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो दो मुख्यमंत्री जेल में हैं,
कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है, ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थाई कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थाई आयोग होगा, और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी। तो सोनिया गांधी को जयपुर में आपने सुना, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को आपने सुना, यहाँ पर बाकायदा रैली की जा रही है, सोनिया गांधी भी मंच पर मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए, लेकिन कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जा रहा है, रैली हो रही है, संबोधित किया जा रहा है, उसी के ऊपर बीजेपी की भी तरफ से अब हमला बोला गया है, सुना देते हैं आपको। इतना बड़ा पैकेज और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से